अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट रहमान और आप देख रहे हैं टू गोबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टिकटॉक एक्टिविटी स्टेटस के बारे में बताऊंगा कि आप लोग एक्टिविटी स्टेटस को किस तरह ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक्टिविटी स्टेटस से मुराद ये है, अगर आप लोग टिकटॉक में ऑनलाइन अपने आप को मतलब आप चाहते हैं जब आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब बाकी जो आपके फ्रेंड्स के उसको पता चल सके कि मैं ऑनलाइन हूँ, या अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टिकटॉक यूज़ करूँ और बाकी मेरे फ्रेंड्स को पता ना चल सके कि मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको ऑन ऑफ किस तरह कर सकते हैं एक्टिविटी स्टेटस को टिकटॉक के अंदर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप गाइड करता हूँ। सो आप लोगों ने क्या करना है कि टिकटॉक ऐप को यहाँ से ओपन करना है। टिकटॉक ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे प्रोफाइल का बटन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप लोगों ने ऊपर ही जो थ्री हॉरिजॉन्टल एरोस है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों ने सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों ने यहाँ पे प्राइवेसी में जाना है। ओके, प्राइवेसी में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन है एक्टिविटी स्टेटस के नाम से, ये हमारे पास इनेबल है। ओके, सो दोस्तों, अगर आप लोग इसको ऑन करते हो ओके, तो इससे ये होगा कि एक्टिविटी स्टेटस अगर आप लोग ऑन करते हैं तो बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं, ओके, फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, फ्रेंड्स से मुराद ये है कि जो बंदे आपने फॉलो किए हैं और उन्होंने आपको फॉलो बैक किया हुआ है, उसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं। ओके, सो अगर आप लोग इसको ऑन करते हैं तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको पता लगेगा कि आप ऑनलाइन है। ओके, किधर पता लगेगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे इनबॉक्स का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी ऊपर जो है ना, मैं मेरा जो टिक मार है ग्रीन, ओके, मैं मतलब मैं ऑनलाइन हूँ। ओके, बाकी जो मेरे दोस्त है अभी कोई मतलब ऑनलाइन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मतलब कोई भी बंदा इस सेटिंग को ऑन करता है तो इधर आपको पता लगेगा कि वो ऑनलाइन है। ओके, सो दोबारा मैं इस सेटिंग में वापस देख जाता हूँ, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाता हूँ, प्राइवेसी पे दोबारा क्लिक करता हूँ। ओके, सो दोस्तों, सिर्फ फ्रेंड्स, सिर्फ आपके जो फ्रेंड्स है उसको पता लगेगा कि आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात और ये भी है कि ये सेटिंग अगर आपने ऑन किया है और दूसरा जो आपका फ्रेंड है अगर उसने भी ऑन किया हुआ है तो तभी जो है ना ये काम करता है। ऐसा नहीं होगा अगर उसने ऑफ किया है, आपने ऑन किया है तो फिर उसको पता नहीं लगेगा। ओके, या अगर आपने ऑफ आप किया है और आपके फ्रेंड ने ऑन किया है, ओके, फिर भी मतलब आपको पता नहीं लगेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों बंदे ने अगर एक्टिविटी स्टेटस को ऑन रखा है तो फिर आपको भी पता लगेगा कि मेरा फ्रेंड ऑनलाइन है या ऑफलाइन, और उसको भी पता लगेगा। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ, ओके, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी मेरा जो है ना इनबॉक्स में जाता हूँ तो आप ऊपर देख सकते हैं हमारा जो ग्रीन आइकन था वो यहाँ से हट चुका है। ओके, मतलब तो, मैंने ऑफ किया तो अभी किसी मेरे फ्रेंड को पता नहीं लगेगा कि मैं ऑनलाइन हूँ या ऑफलाइन। ओके, सो आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब मेरे फ्रेंड को पता चल सके कि मैं ऑनलाइन हूँ, या अगर आप लोग नहीं चाहते कि मेरे फ्रेंड को पता चल सके तो फिर आप लोग ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए शर्त यह है कि आपका फ्रेंड का भी इस ऑन होना चाहिए और आपका भी ऑन होना चाहिए, तभी जो है ना आप लोग जो है एक दूसरे का ऑनलाइन एक्टिविटी स्टेटस देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्टिविटी स्टेटस के बारे में पता चल चुका होगा कि हम मतलब किस तरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के ऊपर एक लाइक दें, चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।